मैं इस पर जवाब आपसे चाहूंगी वरुण पुरोहित जी कि ये दोगलापन नहीं तो क्या है। एक तरफ सनातन की दुहाई दे रहे हैं और आप ही के इंडिया अलायंस के नेता, कोई एक नेता बोलता वरुण जी तो मैं फिर भी समझ लेती कि चलिए कोई एक नेता की ये अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। साउथ छोड़ दीजिए, अब तो यहां से बयान आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर यादव तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो ये सनातन विरोधी हो गए हैं क्या आप लोग? प्राची जी, सनातन 2014 के बाद तो आया नहीं है। 9.5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सेंट्रिक सरकार है, पार्टी विद द डिफरेंस तो है नहीं, अटल जी अडवाणी जी का युग तो है नहीं, जब तो ऐसी कोई बातें होती नहीं थी। अब मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो प्रताड़ित हो रही है जनता देश की, वो इंडिया अलायंस बना, कर्नाटक का चुनाव हुआ, गली गली मोदी जी घूमे, कांग्रेस की क्या प्रचंड जीत हुई, हिमाचल प्रदेश के नड्डा जी आते हैं, अनुराग ठाकुर आते हैं, वहां भी कांग्रेस जीती, तो इससे इंडिया अलायंस बनने के बाद से बड़े भयाक्रांत हो गए। सुबह से शाम तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार का नाम जपते, जहां तक आपने दोगलेपन की बात कही, गुलाब चंद जी कटारिया, सीता माता का हरण उचित है, रावण जी रावण का उसका जो बयान देते हैं, उसके बाद उनको राज्यपाल बनाते हैं, मिशनरी स्कूलों में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता लाइन लगा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लंपी डिजीज, गौ माता की बात करते हैं, लंपी डिजीज में केंद्रीय बजट में क्या प्रावधान है आप पूछिए इनसे, तो हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, ये सनातन संस्कृति है क्या? चिन्मयानंद के बलात्कार का केस वापस ले लो, कहीं रात्रि में आप किसी के हाथरस में बच्ची की लाश को दाह संस्कार कर दो, ये सनातन धर्म है? तो दोगली बात करते हैं तो दोगले तो खुद हैं। जहां तक आप बात कर रहे हो, जिन लोगों ने बयान दिया है, दूसरी पार्टी के लोगों ने इंडिया अलायंस में जो आज की तारीख में है, मैं हमेशा इस बात का हम पक्षधर रहा हूं कि राजनीति और सामाजिक जीवन में मर्यादित आचरण होना चाहिए और शब्दों का चयन तोल मोल करके सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि आप नेतृत्व दे रहे हो राजनीतिक जो नेतृत्व देते हैं वो समाज को भी नेतृत्व देते हैं। आज आप मुझे बताइए, मां बहनों का जो अपमान करते हैं, भाई बहन के लिए अश्लील वीडियो चलाते हैं, वो क्या सनातन है? सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है? मान लीजिए कांग्रेस का नेता मोदी जी के लिए कुछ कहता है तो मोदी जी वो रिप्लाई करेंगे प्रधानमंत्री होके? गार्जियन है देश के, फैमिली का गार्जियन ही अगर ऐसी बात जी आपने करेगा, बात देखिए, आप आपने सनातन धर्म को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सनातन धर्म को जोड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं आपसे सीधा ये पूछ रही हूँ कि जो बयान सामने आ रहे हैं, आप लोग बैठकर अपनी अपनी पार्टी में निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन आप कितने कदम उठा पा रहे हैं? या अभी जो बैठक हुई आपके इंडिया अलायंस की, आपने कितने कड़े कदम उठाए या कितना कड़ा संदेश दिया आपने कि ऐसे बयान मत दीजिए, इससे सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं? देखिए प्राची जी, जितनी बैठक अभी और बैठक होगी, सब बैठक में ये निर्णय किया जा रहा है, सब जगह बोला जा रहा है कि अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करे कोई नेता, लेकिन अगर कोई स्थानीय नेता या कोई लोकल नेता अपनी नेतागिरी के हिसाब से नहीं, सर, स्थानीय नेता नहीं है, मैं एक बार आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ, सर, स्थानीय नेता नहीं है। चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री है बिहार के, वो बात अलग है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है उसकी तस्वीर भी पूरा देश देख रहा है। बिहार के है ना, वो शिक्षा मंत्री है ना, बिहार में ही है, क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल मैंने कहा ना, लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से बोल सकता है, जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, मैंने उस पे तो आप उसको आप यूनिवर्सल बात कर सकते हो, मैंने कहा नेताओं का आचरण जो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोग अलायंस में नहीं है, आप आरजेडी के साथ अलायंस में है, आप डीएमके के साथ अलायंस में है, इसीलिए आपसे स्पष्ट करवाया जा रहा है कि उन नेताओं के बयानों पर आप कड़े कदम क्यों नहीं उठाते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी से तो मैं जवाब ले लूंगी, अभी प्रेम शुक्ला जी से पूछ लूंगी, उससे पहले इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।